बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्किन केयर बाय डॉक्टर आयशा व्यास में आप सबको एक बार फिर खुशामदीद। और आज हम जिस टॉपिक पे, जिस मौजू पे बात करेंगे वो आप सब लोगों का सजेस्टेड है। आज हम बात करेंगे वॉर्स चंडी या मोती के ऊपर। तो ये वॉर्स या चंडी क्या होती है, एक से दूसरे को कैसे लग जाती है, घर के एक फर्द को अगर ये है तो क्या दूसरे अफराद को रिस्क है कि उन तक ये पहुंच जाए। अगर किसी हमला खातून में ये चंडियां या मोते या वॉर्स लग जाए तो क्या आने वाले बच्चे की सेहत पे इसका असर पड़ सकता है, क्या हम इनको घर बैठे ठीक कर सकते हैं या हमें डॉक्टर की तजवीज करदा मुस्तनद अद्वियात ही इस्तेमाल करनी पड़ेगी या हमें कोई सर्जिकल प्रोसीजर या लेजर कराना होगा। इस तरह के और दूसरे बहुत से सवालों को आज हम टच करेंगे वन बाय वन। स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये चंडियां या वॉर्स असल में है क्या। तो जिसको हम आम जुबान में चंडी या मोके कहते हैं, ये बेसिकली एक वायरस से फैलाई हुई बीमारी है। और ये वायरस हमारी जिल्द की ऊपर वाली तह, यानी कि दो तहों में से जो ऊपर वाली तह है उसमें ग्रो करना भरना शुरू होता है। आहिस्ता आहिस्ता ये स्किन की सेकेंड लेयर में चला जाता है और फिर ये अपनी रूट नुमा शाखें स्किन के नीचे भेजना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से ये स्किन में अपने पंजे गाड़ लेता है। तो वॉर्ट या चंडी या मोका एक वायरस की वजह से है जिसका नाम ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है। बहुत सी दूसरी बीमारियों की तरह ये वायरस भी एक से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो सकता है। अलबत्ता इसका मुंतकली का बहुत ज्यादा फास्ट तरीका नहीं है, लेकिन फिर भी क्लोज स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, यानी कि अगर आप ज्यादा देर तक एक दूसरे के साथ इन कॉन्टैक्ट है या आपके चंडी वॉर्ट या मोका उस ऐसी जगह पे है जैसे कि हाथ के ऊपर या पांव के ऊपर, कि आपने जिन चीजों को इस्तेमाल किया या जो चीजें आपके इस्तेमाल में हैं, कपड़ा, जूते, बुक्स, आपकी टेबल, आपके जितने भी यूजेबल्स हैं, अगर वो सारी चीजें चंडी के वायरस यानी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से इन्फेक्ट हो गई हैं, तो वही चीजें अगर दूसरे लोग इस्तेमाल करें तो उनको ये वायरस भी मुंतकिल हो सकता है। सो डायरेक्ट स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट और इसके अलावा दूसरी जो यूजेबल्स हैं उनको टच करने से भी ये वायरस आप तक फैल सकता है। घर में इसीलिए देखा गया है कि अगर किसी एक फर्द को चंडी या मोके हैं जिस्म के किसी भी हिस्से के ऊपर, तो ना सिर्फ उसको जिस्म के बाकी अज़ा के ऊपर ये मसला होने का खतरा है, बल्कि घर के दूसरे अफराद में भी मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ये चंडी या मोके पाए जाते हैं। और अक्सर बात हमारे क्लिनिक के तजर्बे में, हमारे एक्सपीरियंस में, एक ही घर के, एक ही फैमिली के लोग या दो से ज्यादा अफराद को ये मसाइल होते हैं और हमें बेवकूफ उन्हें ट्रीट करना या इलाज करना उनका जरूरी होता है। क्योंकि अगर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस या इस तरह के वायरस और हम अनट्रीटेड छोड़ दें या कुछ मौके ठीक किए बगैर हम छोड़ दें, तो उनसे दोबारा से उन लोगों को इन्फेक्शन हो जाएगा जिनको हमने ठीक किया। तो घर के तमाम अफराद का बेवकूफ ठीक होना जरूरी है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम अपनी पिछली वीडियोस में धदरी, खारिश, स्केबीज के बारे में कहते रहे हैं कि पूरे घर के अफराद को एक वक्त में ठीक होना है, तो इसी तरह तमाम वार्ड्स को, तमाम चंडियों को एक ही वक्त में ठीक होना बहुत जरूरी है। जो चंडी का मौके है वो देखने में शुरुआत में बिल्कुल एक छोटे से दाने की नुमा होते हैं, जो कि दाना ना बिलबिला है ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, बल्कि ये फर्म टू हार्ड है, यानी थोड़ा थोड़ा सख्त है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये अपने साइज में फैलते जाते हैं। अगर ये दाना शुरू में बहुत ही छोटा है तो आहिस्ता आहिस्ता करके बड़ा भी हो सकता है। और कभी कभार ऐसे होता है कि वॉर्ड्स के छोटे छोटे बेबी वॉर्ड्स साथ में मिल के एक बहुत बड़ा झुरमट सा बना देते हैं, जिनको हम मोज़ाइक वॉर्ड्स कहते हैं। इस तरह के वॉर्ड्स के गुच्छे आमतौर पर पांव के निचली सतह पे, यानी तलकों पे नजर आते हैं और इसके अलावा हाथों पर भी नजर आते हैं। तो बेहतर है कि वॉर्ड को शुरू की स्टेज पर ही ट्रीट कर लिया जाए, उसका इलाज कर लिया जाए, ताकि इससे पहले कि वो बहुत सारे बेबीज देकर मोज़ाइक वॉर्ड्स की शक्ल तैयार ना करें। तो बात करते हैं कि आखिर अगर ये अगर वॉर्ड्स किसी भी नॉर्मल इंसान को है या फॉर दैट मैटर प्रेग्नेंट लेडी को, हमला खातून को है, तो इसके क्या रिस्क हो सकते हैं। जैसे कि हमने पहले बात की कि किसी भी नॉर्मल इंसान को अगर ये वॉर्ड्स या मौके हैं तो वो उसके दूसरे अज़ाब में फैल सकते हैं या घर के दूसरे अफराद को अफेक्ट कर सकते हैं। तो इमेजिन कि अगर यही वॉर्ड्स आपकी आंखों के अंदर, नाक के अंदर, मुंह के अंदर, वोकल कॉर्ड्स या आपके अंदरूनी अज़ा में या आपके प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर अगर आ जाते हैं, तो ये आपके लिए काफी हद तक परेशानी का बायस बन सकते हैं। जैसे कि जिस्म के दूसरे हिस्सों के ऊपर वॉर्ड्स होते हैं, इसी तरह अज़ाए मख़सूसा यानी प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर भी वॉर्ड्स हो सकते हैं। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो कि जिस्म के बाकी हिस्सों में ये चंडी या वॉर्ड्स पैदा करता है, उसकी कुछ खास इकसाम है जो कि जेनिटल वॉर्ड्स का बायस बनती है।
होती हैं। एक बात ये भी देखने में आई है कि घर के तमाम अफराद में से कुछ अफराद ऐसे हैं जिनको वार्ड्स या मौके नहीं लगते जबकि बाकी अफराद को ये इन्फेक्ट कर लेते हैं। तो ये वार्ड्स के खिलाफ एक कुदरती इम्यूनिटी जो हम सबके अंदर कुदरती मुदाफियत पाई जाती है, तो ये खास किस्म की कुदरती मुदाफियत की कमी है जो कुछ लोगों में हो सकती है और कुछ में नहीं। जब हम बात करते हैं कि अगर फॉर दैट मैटर मौके लग गए हैं जिसम के बाकी अजाब पर, तो हम उनको ट्रीटमेंट कैसे दे सकते हैं, उन्हें कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहली बात इस जीवन में ये होगी कि आप घर के तमाम अफराद जिन को भी ये मौके हैं या एक फर्द को जहाँ जहाँ पर भी ये मौके हैं, तो उनका व्यापक ट्रीटमेंट किया जाए। ट्रीटमेंट्स जो हैं वो घर में भी रहकर कुछ हद तक किए जा सकते हैं, कुछ मेडिसिन भी लगाई जा सकती हैं, कुछ खाने वाली है मेडिसिन भी होती हैं, और इसके अलावा क्लिनिक में किए जाने वाले लेजर प्रोसीजर्स भी होते हैं। तो हम वन बाय वन इनको टच करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर वार्ड्स को ट्रीट ना किया जाए, कुछ कई दफा ये देखने में आया है कि अगर हम वार्ड्स को ट्रीट ना भी करें, मौके चलिया जो कि आमतौर पर आपके हाथों पर या बाजुओं पर या किसी भी ऐसी जगह पर है जहाँ पर आपको परेशानी का बायस नहीं बन रही, तो अगर आप इनको वैसे ही छोड़ देते हैं तो कुदरती तौर पर भी कुछ अरसा अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद ये कुदरती तरीके से झड़ सकते हैं। अगर ये झड़ते नहीं हैं या बहुत सारे बेबी वार्ड्स पैदा कर देते हैं या इनका साइज बहुत बढ़ जाता है या आपके लिए पेनफुल हो जाते हैं, आपके लिए परेशानी का बायस है, तो ऑब्वियसली आपको इन्हें ट्रीट करना है। ट्रीटमेंट करने के लिए घर रहते रहते आप ये कर सकते हैं कि डॉक्टर की तजवीज करदा दवाइयों को घर में बैठकर लगाएं। कभी कभार खुद से टोटके के तौर पर लोग बहुत सारी चीजें इनके ऊपर लगा लेते हैं जो कि स्किन के गलने सड़ने का बायस बनती है और इस तरीके से वायरस बल्कि फैल जाता है और उसके इर्द गिर्द की स्किन के ऊपर भी मौके निकल आते हैं, जैसे कि नेल कटर के साथ इसको काटना। मैंने अपने एक्सपीरियंस में बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स को देखा है जो नेल कटर के साथ वार्ड्स को चिड़ियों को काट के तो फिर हमारे पास आते हैं कि हमने ट्राई की कि हम इनको खत्म कर लें, लेकिन हुआ क्या कि काटने के साथ वो उनके इर्द गिर्द बेबी वार्ड्स बनना शुरू हो गए। तो दिस इज प्रिटी नॉर्मल एंड दिस इज प्रिटी कॉमन। तो एक तो ये है कि आप अपने वार्ड्स को अपने वायरस को फैलाने का बायस बन रहे हैं, दूसरा आपने जो भी नेल क्लिपर्स या कटर्स यूज किए हैं वो भी इन्फेक्शन ज्यादा हो गए हैं और अब जो भी घर के अफराद उससे नाखून काटेंगे या किसी भी तरीके से उन्हें इस्तेमाल करेंगे तो उनको प्रॉपर रिस्क है कि वो ह्यूमन वायरस उनको लग जाएगा और उनको भी चंडियां बनाने का बायस बनेगा। तो पहली बात है कि आप इस तरीके से मत इनको छेड़िए। दूसरी चीज जो आप घर में रहते कर सकते हैं, कुछ खास किस्म के एसिड्स हैं जिनको लगाने से ये जल सकता है, उनको लगाने से पहले वॉट की इर्द गिर्द की जगह को वेजनीन लगाकर हम सेव कर लेते हैं और उसके बाद पर्टिकुलरली वॉट वाली जगह को सिर्फ कॉटन बर्ड के साथ या स्टिक के साथ उस दवाई के साथ टच करते हैं। ये दवाइयाँ मुख्तलिफ नामों से अवेलेबल हैं, कुछ दवाओं के नाम हम मेंशन करेंगे जैसे कि डी वॉट सोल्यूशन वो आप लगा सकते हैं, इसके अलावा डो फिल्म सोल्यूशन। ये दोनों सैलिसाइलिक एसिड बेस्ड हैं यानी कि ये तेजाब जैसी चीजें हैं और अगर ये नॉर्मल स्किन के ऊपर लग जाती हैं तो काफी हद तक परेशानी का बायस बन सकती है। यहाँ पर ये बात मेंशन करनी बहुत जरूरी है कि इस तरह की दवाइयाँ आप चेहरे पर हरगिज ना लगाएं क्योंकि फेस के ऊपर हर इंसान का दिल करता है कि उसके फेस के ऊपर कोई स्कार्स निशान इस तरह की चीजें ना हो, चूंकि तेजाब ज्यादा चीजें जब आप चेहरे के ऊपर लगाते हैं तो यू हैव अ कंट्रोल ओवर देम, ये इर्द गिर्द की स्किन को भी डैमेज कर सकते हैं और परमानेंट स्कारिंग या पिगमेंटेशन का बायस बन सकते हैं। सो बेटर नॉट टू अप्लाई दीज ड्रग्स ऑन टू फेस और कोशिश करें कि अगर जिसम के बाकी अजाब के ऊपर आप ये लगा रहे हैं जैसे कि पाँव का निचला हिस्सा तलवे या हाथों के ऊपर या बाजों के ऊपर, तो फिर आप रूटीन तौर पर इनको ट्राई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ खाने वाली अद्वियात की जो आपकी कुदरती मुदाफियत यानी कि बेसिक जो इननेट इम्यूनिटी आपकी है उसको चंडियों के खिलाफ मजबूत करने का बायस बन सकते हैं। इसमें मल्टीविटामिन, आयरन और कैल्शियम सभी शामिल हैं। तो किसी भी किस्म के मल्टीविटामिन अगर आपको प्रिस्क्राइब किए जाते हैं स्पेशली जिनके अंदर जिंक मौजूद हो, तो वो आपकी कुदरती मुदाफियत को वार्ड्स के अगेंस्ट काफी हद तक बेटर कर सकते हैं। सेकेंडली ये देखा गया है कि विटामिन डी का वार्ड्स के अगेंस्ट बहुत अच्छा रोल है और ये वार्ड्स को खत्म करने में बहुत मददगार साबित होते हैं। तो विटामिन डी अगर आप ओरल फॉर्म में इंजेक्शन इंट्रॉप डी के नाम से या कैप्सूल सनी डी के नाम से ले रहते हैं, मे बी एवरी वीक या एवरी टू वीकली यानी फोर्टनाइटली, तो ये भी आपके लिए बेहतर हो सकते हैं। यू कैन टेक देम 3 to 4 times। तो विटामिन डी और मल्टी विटामिन जिनमें कि जिंक मौजूद हो जैसे कि सर्वेक्स जी, तो इनका इस्तेमाल बेहतर है। और अगर डॉक्टर आपको जिंक के स्पेशल जिंक के ऊपर मुश्तमिल स्पेशल ड्रग्स तजवीज करते हैं तो वो हमें फार्मेसी से डिस्पेंस करवानी पड़ती है, यानी डॉक्टर वो फॉर्मूला लिख के आपको देगा और आप वो फार्मेसी से डिस्पेंस कराएंगे जो कि ऑलरेडी बनी हुई मौजूद नहीं होती मार्केट्स में या फार्मेसीज में। तो ऐसे कैप्सूल्स जो होते हैं वो हाइड्रोजिंक
कहलाते हैं और हाइड्रोजीन कुछ खास जीनों के कुछ खास पेशेंट्स में इंडिकेटेड है जो कि डॉक्टर अपनी समझ बूझ और तजर्बे के मुताबिक आपको एडवाइस करते हैं। तो व्यूअर्स हमने बात की बहुत सारी मेडिसिन को घर में लगाने की, डॉक्टर की तजवीज़ करदा चीज़ों को लगाने की, मल्टीविटामिन कैल्शियम और वाइटामिन डी को ओरली लेने की, और अब हम बात करते हैं तो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की जिसमें डॉक्टर्स और पेशेंट्स सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, यानी कि डिस्ट्रक्शन थेरेपीज, इनको ख़त्म करने की ऐसी चीज़ें जो कि वॉर्ड्स को वंस एंड फॉर ऑल ख़त्म करते फौरी तौर पर, क्योंकि कोई भी लगाने या खाने वाली अदवियात के इस्तेमाल से हमें काफ़ी अरसे तक ये वेट करना पड़ता है कि वॉर्ड्स धीरे धीरे ऐसा ऐसा खत्म होते हैं या उनकी लेयर बाई लेयर ऊपर से स्किन चढ़ने लगती है और ऐसा ऐसा खत्म होते हैं। लेकिन लेजर या दूसरी इस तरह की चीज़ें जो क्लिनिक में प्रोसीजर्स किए जाते हैं उनके साथ वंस एंड फॉर ऑल एक ही दफा में आप वॉर्ड्स को खत्म कर सकते हैं और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस को अपनी स्किन से उखाड़ फेंक सकते हैं ताकि वो बाकियों को या आपके बाकी अज़ा को इफेक्ट ना कर सके। तो इस किस्म की ट्रीटमेंट में सबसे पहले नंबर पे जो मैं मेंशन करूंगी दैट इज इलेक्ट्रोकॉटरी। इसके साथ हम जो प्रोसीजर करते हैं वो करंट के जरिए आपके वॉर्ड्स को सुन करने के बाद हम चला देते हैं, जिस प्रोसीजर को हम इलेक्ट्रो रेजिकेशन कहते हैं, और इसके जरिए हम ना सिर्फ वॉर्ड नजर आने वाले हिस्से को बल्कि बिट एंड बिट उसको रिमूव करते करते हम उसकी बेस तक पहुंचाते हैं जहां पर इसकी जड़ें हैं और उनको भी जला देते हैं ताकि दोबारा से इसकी ग्रोथ पॉसिबल ना हो पाए। दूसरे नंबर के ऊपर एक ठंडी गैस होती है जिसे हम क्रायोथेरेपी कहते हैं। ठंडी गैस बहुत से क्लिनिक्स में अवेलेबल है, ये वॉर्ड्स को फ्रीज कर देती है, फ्रीजिंग टेम्परेचर्स के ऊपर -196 के ऊपर ये टिश्यू को फ्रीज कर देती है और ये फ्रीजिंग इंजरी के साथ वो एरिया डेड हो जाता है। इनिशियली वहाँ पे छोटा सा जख्म बनता है, मे बी छोटा सा छाला या ब्लिस्टर बन जाए और ऐसा ऐसा जो जख्म जब गिर जाता है तो साथ ही मौका उसके चढ़ जाता है। इसके भी सेशन होते हैं, इलेक्ट्रोकॉटरी यानी इलेक्ट्रो रेजिकेशन और क्रायोथेरेपी यानी कि फ्रीजिंग गैस, इन दोनों के सेशन हो सकते हैं, क्योंकि अगर वॉर्ड्स बहुत ज्यादा हैं या साइज भी बहुत बड़े हैं तो मे बी हमें दो दो या तीन तीन हफ्ते के बाद एक या दो या तीन सेशन के जरिए इनको मुकम्मल तौर पर रिमूव करना पड़ेगा। इसके अलावा लेटेस्ट थेरेपी जो आजकल हम अपने क्लिनिक्स में रखते हैं वो है CO2 लेजर। CO2 लेजर इलेक्ट्रोकॉटरी की तरह ही करंट के बजाय लेजर की शॉक को इस्तेमाल में लाते हुए वॉर्ड्स को पूरे हद तक जड़ों तक जला देता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा फोकस्ड है। तो व्यूअर्स आज हमने बहुत सारी ऐसी चीजें डिस्कस की कि वॉर्ड्स के बारे में ये होते क्या हैं, लगते कैसे हैं, किस किस को लग सकते हैं, ये रिस्क क्या हैं, प्रेग्नेंट लेडी में इसके क्या रिस्क हैं और ये कैसे हम इनको घर में ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम टच करेंगे जेनिटल वॉर्ड्स को और इनके ट्रीटमेंट को, क्योंकि जेनिटल वॉर्ड्स या प्राइवेट पार्ट्स के वॉर्ड्स का होना एक इंतहाई परेशान कुन बात है और इसको लेकर बहुत सारे लोग परेशान होते भी हैं, इसका ट्रीटमेंट भी सीख करते हैं। आई होप कि आपको आज की वीडियो में भी बहुत चीज़ें बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी जिसके बारे में आप जानना चाह रहे होंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह।